Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. Hello everyone, welcome back to Samcast. इस हफ्ते मार्केट्स में बहुत वोलेटिलिटी दिखाई दी, जहां मार्केट्स ने इस हफ्ते को एक नेगेटिव नोट पे स्टार्ट किया, वहीं मिड वीक आरबीआई की पॉलिसी क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डविश थी, उस वजह से थोड़ी रिकवरी दिखाई दी। पर फिर से थर्सडे नाइट को जब यूएस के इन्फ्लेशन डेटा रिलीज हुई और उसके बाद फेड की फास्टर देन एक्सपेक्टेड रेट हाइक्स की पॉसिबिलिटी की वजह से आज मार्केट्स फिर से गिर गए। 2022 के स्टार्ट से ही लार्जली ग्लोबल मार्केट्स मोर और लेस चौपी ही रहे हैं। हिस्टोरिकली यूएस मार्केट्स के लिए स्पेशली जनवरी एक फेवरेबल मंथ रहा है। अगर हम द ईयर 1900 से डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम्स यूएस मार्केट्स ने जनवरी में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। हाउएवर इस बार बेयर्स ने बुल्स को आउटवे किया और यूएस मार्केट्स ने जनवरी में नेगेटिव रिटर्न्स दिए। इनफैक्ट जनवरी मंथ को लेकर और एक थ्योरी है जो यूएस मार्केट्स में काफी पॉपुलर है। ये थ्योरी का नाम है एज गोज जनवरी एज गोज द ईयर। तो इस थ्योरी के हिसाब से जैसे यूएस मार्केट्स जनवरी में परफॉर्म करते हैं, वैसे ही वो मोस्ट लाइकली पूरे साल परफॉर्म करेंगे। और जब हमने 1900 ईयर से वापस ये डेटा देखा तो 75% ऑफ द टाइम यूएस मार्केट्स में ये थ्योरी प्ले आउट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जनवरी में यूएस मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए तो 75% प्रोबेबिलिटी है कि यूएस मार्केट्स ये ईयर को भी पॉजिटिव रिटर्न्स देकर ही क्लोज करेंगे। तो अगर ये थ्योरी 2022 में भी मटेरियलाइज होती है तो बेसिस जनवरी का परफॉर्मेंस ऐसा लगता है कि इस साल बेयर्स का अपर हैंड होगा। अब जब हमने ये थ्योरी इंडियन मार्केट्स में टेस्ट की फॉर द लास्ट 30 इयर्स, तो हमने ये देखा कि जो 1992 से लेकर 2002 का पीरियड था, तो इस दौरान ये थ्योरी 90% ऑफ द टाइम्स इंडिया में भी प्ले आउट हुई है। पर जब हमने रिसेंट डेकेड का डेटा देखा तो सिर्फ 40% ऑफ द टाइम प्ले आउट हुई है। इसका मतलब है कि ये जनवरी इफेक्ट का फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इंडिया में कम होता जा रहा है। तो ये डिक्रीज के पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं? तो इसके पीछे कई रीजंस है, जैसे कि हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की फुटिंग है वो ग्लोबली स्ट्रांग हो रही है, फिर जो हमारे इक्विटी मार्केट्स का कोरिलेशन है विद द ग्लोबल पीयर्स वो भी थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, एंड मेनली हमारा जो डिपेंडेंस है ऑन FII फ्लोज वो भी कम हो रहा है, क्योंकि DIIs और रिटेल पार्टिसिपेशन काफी हद तक बढ़ गया है। इनफैक्ट जनवरी मंथ में FIIs ने 33,000 करोड़ के ऊपर नेट इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी स्पेस में बेचे, और ये जो सेल ऑफ रहा है वो सिंस ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक यानी मार्च 2020 से हाईएस्ट है। फिर भी इंडियन मार्केट्स काफी रेजिलियंट थे, जैसे निफ्टी ने जनवरी में करीब सिर्फ 0.08% का फॉल दिया, वेरस S&P 500 ने जनवरी में 5% का फॉल दिया। तो ये दर्शाता है कि इंडियन मार्केट्स अभी रेजिलियंट हो रहे हैं फ्रॉम FII फ्लोज। तो ये सब जरूर इंडिकेट करता है कि इंडियन मार्केट्स का कोरिलेशन जो ग्लोबल पीयर्स के साथ है वो भी मॉडरेट होता आ रहा है। पर इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि इंडियन मार्केट्स फिर भी कम्प्लीटली इम्यून नहीं है, और इसी वजह से आज हमने ये फॉल भी देखा। और ये फॉल का, जैसे मैंने आपको बताया, प्राइमरी रीजन ये था कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा एंड फेड की जो अभी मूव होगी उसके स्पेक्यूलेशंस। तो ये ही ग्लोबल नैरेटिव को देखते हुए ये साल ऐसी ही वोलेटिलिटी बरकरार रह सकती है, इसीलिए इन्वेस्टर्स को ये साल वाइजली और बहुत कॉशियसली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब चलते हैं आज के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। आज हमें प्रेस्टीज एस्टेट्स का चार्ट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स अपने एक क्रिटिकल सपोर्ट पे है, और अब अगर वो यहाँ से रिवर्स करता है तो एक अच्छा अपमूव दे सकता है। फंडामेंटली भी क्योंकि ये कंपनी एक रियल एस्टेट स्पेस में है और रियल एस्टेट में हम एक अच्छी रिवाइवल देख रहे हैं, तो ये एक बेनिफिशियरी हो सकती है। इसके मोस्ट रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स की बात करें तो इस कंपनी के ये क्वार्टरली सेल्स थे वो हाईएस्ट एवर थे, एंड इसने रोबस्ट कलेक्शंस भी डिलीवर किए हैं, और जो इसने फॉरवर्ड गाइडेंस दिया है वो भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें 430 का स्टॉप लॉस यूज कीजिए और इसका टारगेट करीब 550 का रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।